हेलो दोस्तों, जेड प्लांट लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी ग्रो हो जाता है। ये देखिए, जेड प्लांट की कटिंग एक है, ये भी मैंने जेड प्लांट की कटिंग ही से ग्रो किया है। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है जेड प्लांट, छह बड़ा ट्री की तरह हो चुका है। ये मेरे लगाए हुए 1 ईयर हो चुका है। अब इसमें से 2 कटिंग ले लेंगे, ये ऊपरी सिरे से, ज़्यादा नहीं, एक एक उंगली के बराबर कटिंग ले लेना है। और इसको नीचे से इसके लीफ को हटा देना है, लीफ को अच्छे से हटा देना है, तोड़ देना है। तोड़ के इसको हटाने से ये होगा कि इससे रूट आसानी से होने लगेगा। मैं किसी भी लीफ को हटा देंगे, ये हो गया। मैंने मिट्टी पहले से पॉलिथीन बैग में बना के रखा है, इसको मैं टीम के सहायते से छेद कर दूंगा, जिससे आसानी से कटिंग को लगा सकूं। ये हो गया, अब कटिंग को इसमें लगा देंगे, इसके अंदर लगा दिए, इसको भी लगा देते हैं, ये भी लग गया। अब बढ़िया से डाल देंगे और ये हो गया, लग गया जेड प्लांट। ये देखिए, इसको मैंने 1 मंथ पहले ग्रोथ किया है कटिंग से। इसके लिए ये भी उसी बड़े प्लांट का कटिंग है जिसको मैंने ये 1 मंथ पहले कटिंग किया है। ये मेरा 6 मंथ पहले का कटिंग से प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया है। ये भी छोटा छोटा जो भी कटिंग किया था, इसको भी मैंने इसके अंदर लगा दिया है। ये देखिए कितना छोटा प्लांट है, ये देखिए लग चुका है पूरा तरीके से, पकड़, देखिए मिट्टी को एकदम पूरा पकड़ लिया है। इसकी रूट अच्छा ग्रोथ कर गई है बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कितना सारा सब छोटा छोटा कटिंग लग चुका है। जेड प्लांट ही बहुत ही अच्छा प्लांट है, जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से और जल्दी ही ग्रो हो जाता है। ये देखिए निकाल के मैं दिखाता हूँ इसका जड़, ये देखिए जड़, देखिए इसका रूट, देखिए कितना बढ़िया हो गया है। तब इसको फिर से मैं लगा देता हूँ, ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, जो कि बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो गया है।